इलेक्शन, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजन सिंह मिल गए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की, दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब तक मेरी अवस्था बिगड़ गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी ही नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उसकी प्रार्थना स्वीकार करे, पर यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को घोषणा करें। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान ही जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित। ये जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हो, मगर दुष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाए, विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाए। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे उस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार की कैद केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हैं। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता, कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी परपिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपना अपना भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम होया करते, यहां उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगे अमामे चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटों देवगढ़ में अपनी सजदज दिखने लगे, लेकिन सबसे विषय संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद में नाम होने पर भी सनत से पर्दा को ढका रहता। सरदार सुजान सिंह इस महानुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते हैं। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है। मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल बगीचे में ठहरते हुए उषा का दर्शन कर। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत, आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार। मिस्टर द स और ज से उनके घरों पर नौकरों के नाम में दम था, लेकिन ये सच है आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते। महाशय नास्तिक थे, उपासक, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी भी मिस्टर लव को किताब से घुमना थी, परंतु आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बड़ा मालूम देता था। शर्मा जी खड़ी रात से वेद मंत्र पढ़ने में लगे रहे, और मौली साहब तो नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम नहीं। लोग समझते थे एक महीने का झंझट है कि
किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया। कौन पूछता है? लेकिन मनुष्य का बहुत बड़ा जौहर आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। प्रस्ताव हॉकी में बजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक हंडिया है, इसे क्यों छिपा रहे? संभव है कुछ हाथों की सफाई भी काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेम किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खा गया। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बताती। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों की खेल समझे जाते। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उठते जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोही की दीवार। संध्या तक यही धूमधाम थी, लोग पसीने से तर हो गए, लेकिन हर जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ा। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले गए कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आए। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर से ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को लगाता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और पैर कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ देर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंचा। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर पैरों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम नहीं। बेचारा इधर उधर निराश होकर मगर वहां कोई सहायक नजर ना। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते खामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसकी ओर देखा मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी। उनमें स्वार्थ था, मत था, उदार था और वात्सल्य का नाम भी था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लगी थी। लंगड़ता हुआ धीरे धीरे चला आता। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें याद। डंडा किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक कटे हुए बदन का लंबा आदमी सामने, झुक कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को सांभो, मैं पहियों को धकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा
युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर दिया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर और गाड़ी लाने से किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा बोला, महाराज आपने आज मुझे उबर दिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आप ही की हो। युवक ने किसान की तरफ और से, उसके मन में एक संदेह, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल का संदेह भाग गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल ही से अपने किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक। दिन काटना पहाड़, प्रत्येक के चेहरे पे आशा और निराशा के रंग आते, नहीं मालूम आज किसके नसीब जाए, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि। दरबार सजाया गया, शहर के रईस और धनी लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सच धज बनाए दरबार में आ बजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मभक्ति। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वो जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो ही कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ का दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सबका था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सतावे, उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, पर दया और धन से कभी ना हारे। भूलिए मत, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इसे देख सकें।